हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, पहला आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये रेपटी बराज का पानी है और काफ़ी कम है। अभी जब यहाँ पे बारिश आता है तो ये काफ़ी ऊपर तक पानी आ जाता है। बाकी आपको बेक कमरे से मैं आपको दिखाऊंगा। ये एरिया है, देखिए, किसान लोग हैं, पूरी पूरा खेती बाड़ी का काम होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये नहर है, देख सकते हैं किसान लोग ने अभी ये खेती जुताई जुताई कर रखी है। और यहाँ थोड़ा पानी का सही व्यवस्था है, क्योंकि रावत नदी से ना लोग और मोटर लगा के पानी खेतों में डाले, नहीं तो यहाँ पे मुश्किल था पानी का। बाकी वहाँ पे आगे में मच्छी तालाब है, यहाँ पे रहने के लोग ने बनाया झोपड़ी। और ये रोड है इधर का, गाँव साइड जाने वाला रोड का पेड़ बेल लगी हुई, पके नहीं, अभी कच्चे ही हैं ये। इधर का बेल का पेड़ होता है। अभी ना यहाँ पे जुताई वुताई हो रही है। अभी वहाँ पे आप देख रहे हो दूर में ना, ये जो आपको दिखाता हूँ, ये जो मशीन है ना, ये धान काटने वाली मशीन है। ये धान काट के और बराबर बिछा देता है। और ये देखो इस तरह से यहाँ पे अभी खेती बाड़ी की जगह हम लोग कर रहे हैं। और एक पुआल का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। बाकी ना ये देखो, ये बाढ़ के पानी ने ये पूरा फसल इस तरफ चौपट कर दिया है। ये फसल काटी नहीं है, ये बाढ़ का पानी आया और बाद में लोगों ने काट के पुआल बना दिया जानवरों को खिलाने के लिए। ये पूरा बाढ़ का पानी भर के इस साइड में ऐसा हाल हो गया है। तो यहाँ भी पूरा बाढ़ का पानी भरा हुआ था, ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी ये फसल काटी नहीं इन्होंने, ये पूरा बाढ़ के पानी से ख़त्म हो गया। खाली आधा काट के यहाँ पर पुआल के लिए, जो है कि गाय भैंसों को देने के लिए तो रखा है लोगों ने। बाकी ये है एरिया, देखो ये देख सकते हैं यहाँ पे गन्ना, अभी ना गन्ना होने वाला ही है, हो भी गया गन्ना यहाँ पे। अभी जो थोड़ा बचा हुआ है, बाकी तो हर जगह पिलाई चल रही है, सब पता होगा। ये मुर्गी फार्म बना हुआ है और बगल में ये तालाब है मछली, और ये सरसों के छोटे छोटे पौधे। फसल यहाँ पर मतलब अब होने वाली है और लोग लगा रहे हैं, लेकिन बाढ़ के पानी से सब इन लोगों का चौपट कर दिया। ये सरसों के पीले पीले खेत देखो, ये बलरामपुर का देहाती एरिया है। यहाँ से रेल लाइन है गोरखपुर तक, लखनऊ से गोंडा होते हुए। बाकी आपको दिखाना देहाती, पूरा देहाती एरिया है। नेपाल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पड़ता थोड़ी दूर में, ये देख सकते हैं आप। एक गाँव का जाने वाला रोड है इस तरफ ही, देखिए। और यहाँ का जीवन ना बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि गांव के लोग हैं, जितना कमाते हैं बेचारे, सॉरी, जितना यहाँ पे वो ज़मीन में डालते हैं उतना इनको मिलता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जंगली एरिया टाइप का भी है, तो ज़्यादा पशु पक्षी लगते हैं, खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं। बाकी बाढ़ का पानी तो इस साल पूरा ही यहाँ की फसल को चौपट कर दिया, ये देखिए। उतना उपजाऊ भूमि नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे में देख रहे रेलवे फाटक बना हुआ है। लेकिन यहाँ से आने जाने की सुविधाएं गाँव वालों को ठीक है, कहीं भी जाए तो यहाँ पे ट्रेन की व्यवस्थाएं हैं, ट्रेन लाइन है इनके गांव से। रेलवे फाटक यहाँ पे आने वाली है, पहुंच गए हैं रेलवे फाटक के पास। दिखाते हैं आपको गांव। आप इसमें कम से कम ना कितनी और 15-20 कुंटल मछलियां हैं इस तालाब में। और एक तालाब और है आगे, आपको दिखाता हूँ। बाकी ये देख ही रहे हो, खेती बाड़ी अभी सब कटाई हिराई चल रही है। और ये तालाब है, सबका साथ होना। यहाँ पे भी हरा भरा लगा रखा है, सरसों साग सब्जी देखो। यहाँ पे रोड बन रही है, नेपाल बॉर्डर की रोड, तो भी कच्ची अभी इसमें पक्का बनने वाला है। ये गांव है, गांव है यहाँ, फैला फैला गांव है। अरे नई रोड आ रही है यहाँ से लेकर, ये जाएगी नेपाल बॉर्डर होती हुई। देखो ना, ये भी गेहूँ लगा, गेहूँ है ना ये, हाँ, गेहूँ लगा दिए हैं।
अभी हल्का हल्का हरा भरा दिख रहा है। ये देखिए इस तरह का हरा भरा, छोटी छोटी होगी गेहूँ अभी। अभी आपको तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा साहब, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है। बाकी ये हरा भरा दिखे तब अच्छा दिखेगा। और गांव दूर तो गांव है, ये देखिए पाउडर की गांव इस टाइप के हैं। ये हालत हो रही है, सभी खराब हो गई है। देखो हरा भरा काफ़ी सुंदर गांव दिख रहा है। यहाँ पे मकान लगेगा लोगों का, ऐसे उधर गांव लगता है, छोटे छोटे गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इस साइड को नेपाल है। आगे काम कर रहे हैं गांव घर के लोग, इस तरीके से लगा रहे लोगों ने ये मेड़ बना के, इस तरह से आलू लगाया है। आलू की खेती है, गाँव ये बच्चा खेल रहा है। देखो ऐसे घर हैं यहाँ पे, गरीब लोग यहाँ, बच्चा खेल रहा है। और ये यहाँ बच्चे बच्चे उसे खेल खेल रहे। छोटा सा गांव, आधा घंटा हुआ है अब खोलता है। गाइज राप्ती बहराइच का नहर जो है ना, बलरामपुर में बाढ़ आई थी वही यही नहर है। और यहाँ का पानी इतना ऊपर उठ जाता है कि बारिश के मौसम में बहुत ही दिक्कत आती है। राप्ती नदी के नाम से जाना जाता है, ये नहर है, गांव की तरफ जाता है। और बाकी यहाँ देहाती एरिया है, और यहाँ पर रेलवे लाइन भी है गोरखपुर के लिए। तो आगे आपको दिखाता हूँ, बन रही वीडियो के साथ। ये अभी कितना कम है, जब यहाँ पे बारिश होता है ना, ये पूरा पुल तक पानी आ जाता है। तो भलापुरा जो बाढ़ आई थी, मैंने वीडियो दिखाया आपको, तो इसी का था। और ये रेलवे ट्रैक यहाँ से जा रहा है गोरखपुर, गोरखपुर और गोरखपुर से लेकर ये लखनऊ तक गोंडा होती हुई। और बाकी देख रहे पानी अभी, अभी कितना यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये नहर है राप्ती बहराइच नहर के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी तो ये शांत है, लेकिन विकराल रूप होता है बारिश के मौसम में। ये एरिया है बिल्कुल, ये देखिए देहाती एरिया होता है, डेवलप एरिया नहीं है, लेकिन सुविधाएँ सब कुछ है यहाँ पर। ये देखिए